गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण 3 + √6 / 5 √3 - 2 √12 - √32 + √50 का मान ज्ञात कीजिए। 3 + √6 / √3 √3 ये हो जाएगा इधर 5 √3 - 4 √3 - 32 का हो जाएगा 4 4। इसका हो जाएगा √4 × 4 × 2 प्लस √50 का मान हो जाएगा 2 × 5 × 5, तो ये जाएगा 3 + √6 / 5 √3 - 4 √3 चला जाएगा, तो ये जाएगा √3 माइनस इधर हो जाएगा 4 √2 - 5 √2 - 4 √2 चला जाएगा, तो ये जाएगा √2 प्लस का √2, तो ऊपर नीचे 3 - √2 / 3 - √2, तो ऊपर नीचे √3 से गुण, ऊपर नीचे √3 से इधर और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 3 + √6 × √3 बटा ये हो जाएगा 3 √3, तीन ये तीन से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 + √6, तो 3 + √6 से 3 + √6 चला जाएगा, तो ये बच जाएगा √3। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, 22, 34 और 40 का लेस है ज्ञात कीजिए। तो 22, 34 और 40 भाग देंगे 2 का 11, 17 और 20 11, 17 और 20 तो ये हो जाएगा 2 × 11 × 17 × 20 2 × 11 × 17 × 20 11 × 22 × 17 × 34 11 × 22 और 17 × 34 तो ये हो जाएगा 34 × 22 68 8 × 6 = 14 7 × 4 = 7,480। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27 का मैस है। तो ऐसे वाले में तो ए बटा बी ऐसे रहता है, तो ऊपर वाले का हो जाता है एच सी एफ और नीचे वाले का हो जाता है एल सी एम। तो 2, 2, 8, 16 और 10 का क्या निकालना है अपन को, एच सी एफ। तो 2 का भाग देते 1, 4, 8 और 5। तो किसी में नहीं जा रहा है, तो इसका आ जाएगा ऊपर वाले का आ जाएगा एल सी एफ आ जाएगा 2 और नीचे वाले का अपन को निकालना है एल सी एम। 3, 9, 81 और 27 तो 3 का भाग देते 3 × 3 = 3, 3 × 9 81 में 3 का भाग देंगे 27, 27 में 3 का भाग देंगे 9। अब इसमें 3, 3 और 9 फिर 3 तो आ जाएगा 3 और 1 फिर 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81 2/81। आगे देखें स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन, 35.7 - कोष्टक ये हो जाएगा 3 + 1/3 × 9 और 10 10/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा
तीन ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 10 10 या 30 और 3 33, 33/10, 33/10 माइनस 2 प्लस 1/2, 2 2 4, 1 5, 5/2, तो ऊपर हो जाएगा 2/5, 5 2 10 और 2 12, 12/5, ये हो जाएगा 12/5, तो ये हो जाएगा 10, 10 आ जाएगा एलसीएम स्टूडेंट्स 10, इधर हो जाएगा 357 माइनस 357 माइनस 33 माइनस 5 2 10, 2 12 2 24, तो ये हो जाएगा 300/10, 300 में 10 का भाग देंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 30। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से चलना शुरू करती है, एक्स और वाई से चलना शुरू करती है, एक्स इधर हो गया और वाई से चलना शुरू करती है, और क्रमशः 60 किलोमीटर घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल 60 और कार की 50, एक दूसरे की ओर चलती, उनके मिलने के समय बस ने 50 किमी अधिक दूरी तय की, बस ने 50 किमी अधिक दूरी, तो बस ने 50, बस की स्पीड ज़्यादा कितनी है, 10 से ज़्यादा, तो 5 घंटे तक चली, तो 60 प्लस 50 इंटू 5 घंटे तक, तो 60 और 50 110 इंटू 5, 110 इंटू 5 बराबर 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, पद्मा ने 320 में 80 किग्रा टमाटर खरीदे, 320 में कितने किग्रा, 80 किग्रा, तो 320 उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, अब सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 4.5 में कितने बेच दिए उसने 80 केजी, 4.50 इंटू 80, तो 2 0 2 2 0 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 0 से 0, 45 2 90, 9 6 36, 360 में उसने बेच दिए, तो लाभ कितने का हुआ, 40 का, 40/320 इंटू 100, 0 से 0 0 से 0, 8 6 32, 8 5 40, 50/4, 12.5% का, 12.5% का। आगे देखिए स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन, राकेश के पास केवल 2 और 5 मूल्य के सिक्के हैं, 2 रुपये और 5 रुपये, उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, कुल कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं, और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है, धनराशि कितनी है, 240, तो अगर 2 रुपये के उसके पास अगर अक्स है, तो 5 रुपये के हो जाएंगे 60 माइनस अक्स, तो हो जाएगा 2 अक्स प्लस 5, 5 रुपये के 60 माइनस अक्स बराबर 240, तो 2 अक्स प्लस 6 5 300 माइनस 5 अक्स बराबर 240, 3 अक्स बराबर 60 माइनस में माइनस माइनस जाएगा अक्स बराबर 20, अक्स बराबर 20, तो इसके हो जाएंगे 2 रुपये के हो जाएंगे 20 और 5 रुपये के हो जाएंगे 60 में से 20 चला गया तो 40। आगे देखें स्टूडेंट आठवां क्वेश्चन, सपना कार से क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करती है, जिसमें उसे कुल 65 मिनट का समय लगता है उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो कार से माना कि कुल दूरी अपन 3 अक्ष मान लेते हैं, कुल दूरी अपन 3 अक्ष मान लेते हैं, तो अक्स बटा 10 प्लस अक्स बटा 15 प्लस अक्स बटा 20 बराबर 65 मिनट, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, तो ये हो जाएगा लघुतम आ जाएगा कितना, 60, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 6 अक्स
15 का भाग 60 में देंगे 4, तो 4x, 20 का भाग 60 में देंगे तो 3x बराबर 65 बटा 60, तो 60 से 60 चला जाएगा, 6 4 10 8 3 13, एक्स बराबर 65, एक्स बराबर पाँच, तो कुल दूरी हो जाएगी 3x, तो 3 × 5 = 15 किलोमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नौवा क्वेश्चन, 3.6 × 4 × 0.48, तो ऊपर हो जाएगा 36 × 48 × 250 बटा, नीचे हो जाएगा 12 × 9 × 5, तो 1 2 3 2 5 2 2 4 5, 5 × 5 लग जाएगा, तो 12 3 36, 3 से 3 3 9, 5 से 5 से 50, 3 से 16 16 × 50, 16 5 80, 800। आगे देखिए स्टूडेंट्स दसवां क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब एक ऐसा चतुर्भुज है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ए बी सी और डी, ये कौन हो गया 45 डिग्री का ए बराबर, तो बी का मान क्या होगा, तो बी का मान क्या होगा, तो ए प्लस बी बराबर 180, ए का मान 45 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी बराबर 180 माइनस 45 डिग्री, तो कोण बी बराबर 135 डिग्री। आगे देखें स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, 6 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया, गोले का आयतन, तो गोले की भुजा हो जाएगी, तो घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा है 6 सेमी, तो गोले का व्यास हो जाएगा 6 और त्रिज्या हो जाएगी r बराबर हो जाएगा 6/2, 6/2 मतलब 3, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 × π × r का मान 3 × 3 × 3, 3 से 3 चला जाएगा, 3 × 3 = 9 9 × 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखें स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि बीपी बराबर CQ और AC बराबर BC, AC बराबर BC है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें हो जाएगा कौन PB और C बराबर 70 डिग्री, PB और C = 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला कौन 2 = 70 - 20 = 50 डिग्री, 50 डिग्री बराबर ये वाला मान 50 डिग्री। अब कौन एक बराबर 180 + 70 डिग्री, कौन एक ये हो जाएगा 180 - 50 + 50 = 80 डिग्री, ये वाला कोण 80 डिग्री, ये वाला 80, ये वाला हो गया 50, तो कोण अक्ष बराबर
एक्स बराबर 180 माइनस, 180 माइनस ये 50 होगा, ये होगा 50, ये हो जाएगा 80। 180 डिग्री एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 80 माइनस 80 प्लस 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 150 बराबर, एक्स बराबर 30 डिग्री। आगे देखें स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन, मानव और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं। मानव और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 25 दिन तक एक साथ काम किया, फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम। तो मानव प्लस दर्शन एक काम को 40 दिन में, उन्होंने 25 दिन तक काम किया और फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया, मानव ने बचा हुआ काम अगले 24 दिन में पूरा किया। मतलब 15 काम को कितने दिन में पूरा किया? 24। 3 का भाग देंगे 5, इधर 3 का भाग देंगे 8, 5 काम को 8 दिन में, 5 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, तो 40 काम को कितने दिन में? 64 दिन में। आगे देखें स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन, एक घन के ठोस छिन्न की ऊंचाई, एक घन के ठोस छिन्न की ऊंचाई कितनी है? 8 सेमी है। तो घन का ठोस छिन्न ऐसा हो जाएगा, ऊपर से नीचे से भी ऐसा, इसकी छिन्न की छिन्न की ऊंचाई कितनी है? 8। छिन्न की ऊंचाई 8, ये वाली भी हो जाएगी 8। यदि इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याओं को क्रमशः 3 और 9 सेमी है, ऊपर की त्रिज्या कितनी है? 3, नीचे की कितनी है? 9, तो ये के 3 हो जाएगी, तो ये 6 बचेगी, 6 बचेगी, तो ये निकालना है अपन को सिरे की ऊंचाई, ये हो जाएगी 8 और 6, तो रूट रूट सिरे की ऊंचाई एक्स बराबर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, रूट बराबर 100, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, 7 प्लस 3 रूट 5, 7 माइनस 3 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 7 रूट 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 में आएगा वर्गमूल 7 प्लस 3 रूट 5 और 7 माइनस 3 रूट 5, तो हो जाएगा बराबर में 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 3 रूट 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 3 9 और 5 9 पंजे 45, रूट 4 बराबर हो जाएगा 2। आगे देखें स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के साधारण ब्याज की 6%, तो पहले 3 3 6% मतलब 18, अगले 5 वर्ष के लिए 9%, अगले 5 वर्ष के लिए कितने? 9% मतलब 9 पंजे 45, और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13%, कितने प्रतिशत? 13%। यदि 11 वर्ष के अंत में 5 3 8 और 8 और 3, तो 3 वर्ष के लिए 13% मतलब 13 3 39, 8 और 9 17, 17 और 5 22 का 2 हासिल की 2, 3 और 2 5, 4 9 और 1 10, ये हो जाएगा 8160 बटा 102 इंटू 100, 102 इंटू 100 ये चला जाएगा 8 बार, राशि हो जाएगी 8000, ये चला जाएगा 80 बार, राशि हो जाएगी 8000। आगे देखे देन स्टूडेंट्स, 17वां क्वेश्चन, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 इसका मान होता है, सो ट्रिक, रूट 6 का ऐसे फैक्टर करो 3 और 2, अगर प्लस दिया हुआ है तो 3 आएगा,
अगर माइनस दिया हुआ होता तो 2 आता, तो इसका मान 3 आएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 18वां क्वेश्चन। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। अभी कितना है, 3 अक्ष और अक्ष, 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 और 1, तो 3 अक्ष माइनस 2 अक्ष, तो अक्ष बराबर 15, तो ये हो जाएगा 15 और 45। वर्तमान आयु याद कीजिए, 15 और 45। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 19वां क्वेश्चन। महेश ने 8,000 की धनराशि को एक सावधि योजना में जमा, योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। सावधि में प्रयुक्त राशि कितनी, तो 8,000, तो 5% 1 साल का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हो जाएगा 10.25%, तो 8,000/100 × धनराशि 110.25 नीचे शेड जाएगा, इधर आ जाएगा 100, 1, 2, 3, 1, 2, 2 और 3 0 से 3 0, 5, 5 × 10, ये 5 से 5 × 10, 5 × 10 = 25, 2205, ये 2 से 4 बार, तो हो जाएगा 2288, 8,820, 8,820। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 20वां क्वेश्चन। यदि किसी संख्या और उसके 2.5 का अंतर 60 है, 2.5 का अंतर 60 है, अक्स माइनस अक्स इंटू 2/5 = 60, तो इसका 5 लघुतम आ जाएगा, 5 अक्स माइनस 2 अक्स = 60, 3 अक्स = 300 अक्स = 100। आगे देखें स्टूडेंट्स, 21वां क्वेश्चन। 0.2 की घात 3 + 0.04 की घात 3 / 0.1 का स्क्वायर + 0.1 का स्क्वायर × 0.1 + 0.2 × 0.02 का स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा ऊपर 0.2 की घात 3 × 0.04 की घात 3 / नीचे हो जाएगा 2 और 1 = 3 0.1 की घात 3 × 0.1 की घात 3 + ऊपर भी प्लस है 0.04 की घात 3 / नीचे हो जाएगा 0.1 की घात 3 + 0.02 की घात 3, ऊपर हो जाएगा 0.008 + 0.0003 + 4064 / नीचे हो जाएगा 0.001 + 0.00008, तो ये हो जाएगा 0.008/8064 / नीचे हो जाएगा 0.001008, इसका इसमें भाग देंगे तो ये भाग चला जाएगा 8 बार। आगे देखें स्टूडेंट्स, 22वां क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3, 4, 5 और 6 का पहले लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम 2 का भाग 2, 3, 5 और 3, फिर 3 का 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 और 5, फिर इसका एलसीएम आ जाएगा एलसीएम बराबर 2 × 3 × 2 × 5, 5 × 10, 10 × 30, 30 × 60, तो ये जाएगा 10 × 60 में छोटी से छोटी, तो संख्या इसमें जाएगा 2500, तो 2400 में जाता है 60 का भाग, फिर 2460 में जाता है, फिर जाएगा 120 में और 60 का भाग, तो 0, 2, 5, 2520,
320 माइनस 2495 बराबर 25। आगे देखें स्टूडेंट्स, 23वां क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 33 और उनका अंतर 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक्स प्लस वाई बराबर 33, एक्स माइनस वाई बराबर 13। तो एक्स बराबर संख्याओं का योग 33 प्लस 13 बटा 2, 33 और 13 कितना हो जाएगा 46 बटा 2 बराबर हो जाएगा 23 एक्स का मान। वाई का मान निकालने के लिए स्टूडेंट्स, वाई का मान निकालने के लिए 33 माइनस करना पड़ेगा अपन को 13 को बटा 2, 33 में से 13 चला जाएगा 20, 20 बटा 2 बराबर 10। आगे देखें स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं। कितने अंक? 40%। उसने कितने अंक प्राप्त किए? 120 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 120 प्लस 30 मतलब 150 अंक प्राप्त करता तो 40% हो जाता। 150 बटा 40 इंटू 100, 0 से 0 तार, 0 से 0 तार से ये दो बार इधर आ जाएगा 75, और दो से ये पांच बार 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 हो जाएगा 375। आगे देखें स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि और राजेश से 8 अंक अधिक मिले। रवि को राजेश से कितने अंक? 8 अंक अधिक मिले और उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। राजेश को कितने मिले? राजेश को मान लेते हैं अक्स, और रवि को कितने मिले? रवि को मिले 8 अक्स प्लस 8। तो उनके प्राप्तांकों को योग अक्स प्लस अक्स प्लस आठ कितने प्रतिशत? 52% के नीचे आ जाएगा 100 बराबर उनके प्राप्तांक। रवि को राजेश से 8 और उसके प्राप्तांक को योग का कितना मिला? अक्स प्लस 8। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 इंटू 52 बराबर हो जाएगा इधर 100x प्लस 800 इधर चला जाएगा। तो ये इधर हो जाएगा 104, 104x प्लस 52 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 416 बराबर इधर हो जाएगा 100x प्लस 800। ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 384। एक्स बराबर हो जाएगा 9 96। तो रवि को प्राप्तांक अंक, रवि को, राजेश को तो हो जाएगा 96 और रवि को, ये तो हो गया राजेश, और रवि को हो जाएगा 96 प्लस 8 बराबर 104। आगे देखिए स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन, रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद बाद गठे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 था तो टीवी सेट का मूल्य कितने में खरीदा? अंकित मूल्य कितना था? 12,000, इस पे कितनी प्रतिशत की छूट? 25% मतलब 3/4। फिर 15% की अतिरिक्त छूट मतलब 85/100, तो ये 17 चला जाएगा 5 से ये 20, तो ये 0 से 0, 4 × 8, 4 × 8, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 150 × 3 × 17, तो हो जाएगा 450 × 17। तो 45 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35 का 5, असल की 3, 728 और 3 = 31 इंटू 45 का 45, 5, 5 और 1 = 6, 4 और 3 = 7, 7665, 7665
50 7,650। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।